के रहने वाले थे, वो खाटू श्याम जी के दर्शन करते और सावरिया जी के दर्शन करते राजस्थान गए हुए थे, तो उससे जाने से पूर्व उनके द्वारा यहाँ से लोकल लेवल पे शराब भेजी गई थी और उस शराब का सेवन करने के बाद जैसा उनके द्वारा बताया गया कि उनकी तबीयत खराब हुई थी और उनमें से दो लोगों की जो है फिर फाइनली डेथ हो गई। उनकी डेथ के बाद वहाँ पे जहाँ उनकी डेथ हुई थी चित्तौड़गढ़ जिले में, वहाँ उन पर अपराध की कायमी हुई जैसा कि उनके परिजनों द्वारा बयान दिया गया, और उसकी कायमी के बाद राजस्थान पुलिस द्वारा हमारे पास उसकी जानकारी दी गई और हमने वो डायरी सौंपी गई। जैसे ही हम लोगों को इसकी जानकारी मिली तत्काल हमने इसमें कार्रवाई करते हुए प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT गठित की और उस SIT में हम लोगों ने इसका पता लगाने का प्रयास किया कि यह पूरा घटनाक्रम किस प्रकार से हुआ है। इसमें जिनसे इन लोगों ने शराब खरीदी थी, सबसे पहले लकी जसवाल नाम का व्यक्ति था, उसके द्वारा हम लोग उसके एक अन्य व्यक्ति के पास पहुँचे जो रोहित प्रजापत, जहाँ से वो शराब लाना बताया था, और रोहित प्रजापत के माध्यम से हम लोग कालका प्रसाद नाम के व्यक्ति के पास पहुँचे, और जब कालका प्रसाद से हम लोगों ने समझी से पूछताछ की तो उसके द्वारा जो है वो शराब बना के बोतल करके बेचना बताया गया। उसके यहाँ जब हम लोगों ने तलाशी ली दर्ज की, उसके यहाँ से हम लोगों को ये पूरा शराब बनाने का जो है सामग्री वहाँ से हम लोग को प्राप्त हुई, जिसमें कि खाली बॉटल्स, उसके लेबल्स, उसके होलोग्राम्स, उसके ढक्कन और पैक करने का सामान और साथ में स्पिरिट जो ये है ये हमें उसके यहाँ से मिली। इसमें जब हम लोगों ने खंडवा की पुलिस है उसके साथ भी हम लोगों ने साथ में इसमें उन्होंने भी इन्वेस्टिगेशन की, तो उनके यहाँ पे भी अभी जो घटना हुई थी उसके भी तार इससे कालका से ही जुड़े हुए थे, और संभवतः जो अन्य लोग हैं जो इस मामले से जुड़े हुए हैं जिनके विषय में हम लोग अभी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, तो आने वाले समय में उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी और उनको भी गिरफ्तार किया। तो एक सभी के माध्यम से कहना चाहेंगे जो लोग इसको देख रहे हैं कि भाई जो भी लोग इस तरह की परचेज करते हैं तो वो सभी लोग जो है वो शॉप से जो अधिकृत दुकानें हैं वहीं से परचेज करें, किसी व्यक्ति पर भरोसा करके कोई इस तरह का अगर बेच रहा हो वहाँ से परचेज ना करें। और दूसरा जो आबकारी विभाग है उसके द्वारा भी एक नंबर जारी किया गया है कि अगर आपकी जो होलोग्राम होता है, जैसे इसमें नकली होलोग्राम, जो असली होलोग्राम होता है उसका एक नंबर रहता है, तो वो नंबर अगर आप SMS पे भेजेंगे तो वहाँ से आपको ऑथेंटिकेशन का एक SMS वापस आ जाएगा कि ये जो है वो सही बैच की लिकर है कि नहीं है। ठीक है, तो ये काम आप लोगों के माध्यम से जो भी लोग देख रहे हैं वो अगर करना चाहें तो सभी से यही अनुरोध है कि अगर आने वाले उसमें किसी इस तरह की अवैध शराब से या नकली शराब से बचना है तो ये कार्रवाई कर सकते हैं। बाकी हमारा जो नंबर है हेल्पलाइन का नंबर है खरगोन पुलिस का 7587620100, तो इस पर हर तरह की अवैध गतिविधि, आप चाहे किसी भी तरह की कोई बात हो गई हो उसके विषय में जानकारी दे सकते हो, और अवैध शराब की भी विषय में अगर आप लोगों को कहीं इस तरह की जानकारी मिलती है कि इसका विक्रय हो रहा है तो वो